हमारे उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधु छायाकार बंधुओं का स्वागत है। इस नए कार्यालय में प्रथम बार ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया जिसके कारण न कार्यक्रम हो पा रहे थे न आना जाना हो पा रहा था, तो वर्चुअल कार्यक्रम हमने किए। घरों में बैठ के लोगों से संवाद करके छोटे बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, संगीत गोष्ठी, बच्चों के वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, ये कार्यक्रम हम लोगों ने किए, जिसमें बड़ी ख्याति हमें मिली। ऐसा नहीं लगा कि हम कोरोना काल में बैठे हैं और अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जाकर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। एक तो सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिसके कारण हम लोग को और भी सहज हो जाता है कार्यक्रम करना या शासन में सामंजस्य बना के रखना। हमारे डायरेक्टर साहब हैं KP द्विवेदी जी, जो इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं। हमारे साथ 7 मेंबर हैं, पूरा स्टाफ है, जो भली भांति इस कार्यक्रम को हम फलीभूत कर रहे हैं। वर्चुअल के समय में हमने कार्यक्रम किए, बच्चों के करीब 157 बच्चों ने भाग लिया उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से। उससे हमें इतना अच्छा लगा, परिवारों के इतने अच्छे संदेश आए। 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का, 10 साल का, उन्होंने अपने अपने हिसाब से नृत्य भी किया, सिंधी में गीत संगीत का कार्यक्रम भी किया और आपस में वार्तालाप भी किया, जिसे हम लोग वाद विवाद भी कह सकते हैं, डिबेट भी कह सकते हैं। तो एक सुंदर सा मैसेज गया। इसके सिवा हम लोगों ने की गोष्ठी आगरा में, जिसमें 30 बच्चों ने भाग लिया। इतना सुंदर कार्यक्रम था, वो भी एक वार्षिकी हमने तैयार की कार्यक्रम के 3 साल की, पूरी डिटेल संत महात्माओं के उसमें फ़ोटो, संत महात्माओं का जीवन चरित्र, जितने हमारे गीतकार हैं, हमारे साहित्यकार हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, तमाम ऐसे जो हमारे सिंधी समाज से जुड़े हुए हैं, जो भगत करते हैं, भगत हमारे लोकगीत है, लोक संगीत है, उसके माध्यम से जो भी कार्यक्रम हम संभव कर पाते हैं तो उनका हमने करने का प्रयास किया। और उसके बाद अकादमी बनवाई डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में। अभी तक अकादमी की वेबसाइट नहीं थी, वेबसाइट का निर्माण हुआ हमारे KP द्विवेदी जी के सहयोग से, हमारे सदस्यों के सहयोग से पुस्तकों का वितरण हुआ। जहाँ जहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनको पुस्तकें दी गई। साधारण सभा की बैठक हुई, उस बैठक में एक प्रस्ताव आया जो सर्वसम्मति से हमने पास किया। जो बच्चे हमने पढ़ते हैं, छोटे बच्चे से लेकर 3 साल से 5 साल तक की राशि, अभी तक 600 रुपये देते थे, उनको हम 1200 कर दिए, और 6 से 8 तक जो बच्चे थे 1000 देते, 2000 कर दिए। 9th और 10th के जो बच्चे थे उनको 1500 2000 तक था, उसको 3500 किए। स्नातक और 11 और 12 के छात्र 5000 रुपये दिए गए। स्नातक को 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने पर 6000 रुपये, और पोस्ट ग्रेजुएट द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने पर 7000 रुपये। माने धनराशि को हमने डबल कर दिया। और हमने जो अपने कार्यक्रम पहले से किए वो थे अपने कानपुर में, या बच्चे पढ़ रहे थे उसको प्रोत्साहन दी, और टीचरों की तनख्वाहें जो थी वो सबको वितरण किया गया। और विशेष कार्यक्रम जिस साल अभी हम करने जा रहे हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के लोकप्रिय नेता, माननीय प्रधानमंत्री, गोष्ठी 25 तारीख को जन्मदिवस है उनकी, पूर्व संध्या 24 तारीख को एक बहुत बड़ी गोष्ठी का आयोजन हम इसी कार्यालय में करने जा रहे हैं। जीवन चरित्र प्रकाश डालेंगे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। सिंधी छात्र प्रतियोगिता ऑनलाइन, ये कार्यक्रम जैसे अब तो इसमें ऑनलाइन हो रहा है, उसी तरह वो भी कार्यक्रम हो रहा। और सिंधी संगोष्ठी एवं चेक वितरण कार्यक्रम 2 जनवरी स्थान आगरा में होने जा रहा है, जहाँ हमारे सदस्य हेमंत भोजवानी जी वो करवा लेंगे। अगर समय मिला तो मैं भी जा सकता हूँ। गणतंत्र दिवस पर विशेष परेड की झांकी, जैसे दिखा ये आपको झांकी पिछले साल हमने निकाली थी, वैसी ही झांकी पुनः अभी शासन से लगभग पत्राचार चल रहा है, उन्होंने कहा है कि तैयारी करिए, वो हम झांकी निकालेंगे। तो ये कार्यक्रम इस तरह लगातार चलते रहेंगे। अन्य सदस्य जो हमारे हैं वो भी कार्यक्रम भेज रहे हैं, और जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ तैयार किए हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस अवसर पर हमारे निदेशक आदरणीय द्विवेदी जी भी कुछ बात रखें तो शायद अच्छा लगेगा। आप लोगों का आभार, धन्यवाद। आप सभी लोगों का सिंधी साहित्य अकादमी में स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी माननीय उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। आप सभी जानते हैं कि सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पदेन अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी हैं, IAS हैं, सीनियर IAS हैं, हमारे प्रमुख सचिव भी हैं। उपाध्यक्ष जी आप सामने बैठे हैं, तथा इसके अन्य नामित सदस्य हैं श्री नरेश
आजाद जी गोरखपुर से हैं, श्री सचदेवा जी हैं बनारस से, वरिष्ठ सदस्य हैं वो आ नहीं पाते, लेकिन उनसे हम लोग ऑनलाइन टेलीफोन से संपर्क करते रहते हैं। इसी तरह कानपुर से हैं, प्रयाग से विजयपुर सुहानी जी हैं, आगरा से हेमंत भोजवानी जी हैं, ये सब सिंधी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सिंधी साहित्य में रुचि रखते हैं, सिंधी भाषा तथा उसके साहित्य के संवर्धन में समय समय पर इनसे हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जो पदेन सदस्य हमारे होते हैं उसमें माध्यमिक शिक्षा, वित्त के, संस्कृति के और हिंदी संस्थान आदि के जो प्रमुख सचिव या निदेशक होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। अभी हमने 27 अक्टूबर को एक सामान्य सभा की बैठक भी किया था, जिसमें हमने सिंधी साहित्य की जो भी गतिविधियां थी, जो भी हमने साहित्य की दिशा में, साहित्य के संवर्धन में, साहित्य के प्रचार में, साहित्य के प्रसार में, कला के लिए, संगीत के लिए जो भी कार्यक्रम हमने किए थे वो हमने सामान्य सभा के सामने रखा था। सामान्य सभा के लोग हमसे प्रसन्न थे और उन्होंने कृपा करके हमारे लिए अगले वर्ष के लिए भी बजट जो है वो प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किया। आपको बता दें कि हमारे सिंधी साहित्य अकादमी के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए शासन द्वारा कृपा पूर्वक 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में। इस 1 करोड़ में चूँकि कोरोना चल रहा है इसलिए हमको 4 किस्तों में 25-25 लाख की किस्तें हमको मिली हैं। 25-25 लाख की 2 किस्तें अब तक शासन द्वारा अवमुक्त की गई हैं, जिसका हम विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में हम उपयोग कर चुके हैं। आगामी किस्त के लिए हम मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में माननीय उपाध्यक्ष जी ने आपको जैसे बताया कि हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम संभव नहीं थे, आप लोगों को ये सूचित करने में हमें कोई संकोच नहीं है कि जब पूरा प्रदेश कोरोना से कराह रहा था उस समय हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी लगातार मेहनत करते रहे, हमारे सदस्यगण मेहनत करते रहे, हमारे कर्मचारी मेहनत करे, हमने ऑनलाइन कार्यक्रम छोड़ा नहीं। और इसी सब के चलते हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी को PGI में एडमिट भी होना पड़ा। ये बड़े ही हमें कहने में संकोच नहीं है कि हमारे सामने ऐसे यशस्वी कर्मठ उपाध्यक्ष जी हैं, तो इनके मार्गदर्शन में हम कार्य कर रहे हैं और भी भविष्य में कार्यक्रम होते रहेंगे साहित्य के प्रचार के लिए, उसके संस्कृति के लिए और पहनावे के लिए। हमने इसका थोड़ा बहुआयामी कर दिया है। अभी तक ये होता था जो वरिष्ठ साहित्यकार होते थे उनकी पुस्तकों को अनुदान हम देते थे, अब हमने ये सोचा कि हम जो छोटी पौध है यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनमें सिंधी पढ़ने की लगन, सिंधी बोलने की लगन पैदा हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमने प्रदेश स्तर पर बड़े ही ऑनलाइन कार्यक्रम किए हैं और भविष्य में भी करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है, धन्यवाद। तो सिंधी अकादमी का जो आपका कार्य है सिर्फ प्रदेश लेवल पर चलता है या पूरे देश में? पूरे देश लेवल पर एक संस्था है कि केंद्र सरकार की NCLP के नाम से है, तो वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, जो गाइडलाइंस वो लोग जारी करते हैं उसी के अनुरूप हम लोग भी चलते हैं। फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट देती है, प्रदेश सरकार, और इसमें यूपी का हमारा इंटरनल है। लेकिन हमारे एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं ऑनलाइन कार्यक्रम जो अभी हुए उसमें प्रदेश के ही बच्चे नहीं जुड़ते हैं, वो दूसरे प्रदेश के भी बच्चे हो सकते हैं। यहाँ तक कि अब तो NRI बच्चे भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी से लगातार रात में फ़ोन आते हैं। उनको जब प्रमाण पत्र दिया गया, फेसबुक में अपलोड किया गया, यूट्यूब में, तो बच्चों में बड़ा क्रेज जागृत हुआ, विदेशी बच्चों ने भी संपर्क किया है और हम इसके स्कोप को वो कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। कहीं का बच्चा हो इसमें ऑनलाइन प्रतियोगिता में, ऑफलाइन जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग ले सकता है, साहित्यकार भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि साहित्य, संस्कृति, कला जो है इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है, इस तो सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल टाइप का है। और फिर सिंध घाटी से निकली हुई ये सिंधी भाषा तो बहुत ही पॉपुलर है, तो इसका जो है हम दूसरे प्रदेश के भी बच्चे जो ऑनलाइन में आते हैं उनके लिए भी हम सहमत हो जाते हैं।